हम सभी पूरे साल दिवाली का वेट करते हैं ताकि हम सब अपना घर सजाएं और अपने लोगों के साथ मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाएं। पर आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम जनरली करते हैं, और यही कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती हैं। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेडविकी है आपके साथ। हम आपकी दिवाली मनवाएंगे बिना किसी कंसर्न्स के। प्लीज वॉच, अगर आप भी कर रहे हैं इनमें से कुछ कॉमन मिस्टेक्स और क्या छोटी छोटी चीजें कर सकती हैं हमें हेल्प। पहला, क्या आप भी नेकेड आइज से फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं? क्या आप जानते हैं फायर क्रैकर्स लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से जलते हैं जो हमारी आइज पर बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए फायर क्रैकर्स बर्न करते हुए ध्यान रखिए अपने सेफ्टी ग्लासेस पहनने का और अपनी आइज को सेव करिए। क्या आप भी दिवाली के टाइम पार्टी करना बहुत पसंद करते हैं? पार्टी करने और एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि लाउड म्यूजिक और फायर क्रैकर्स का जो साउंड है वो अराउंड 125 डेसिबल्स को क्रॉस कर जाता है, जबकि हमारा सेफ लिमिट है 85 डेसिबल। तो इसीलिए अगर आप किसी ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक है या फायर क्रैकर्स की आवाज है, तो उस टाइम पर अपने ईयर प्लग्स डालना याद रखें। तीसरा, दिवाली में सब लोग घर पर तला भुना ही खाते हैं और बाहर जाते हैं तो मिठाई मिलती है, इसीलिए इस दिवाली चूज करिए किसी भी मिठाई की बजाय ड्राई फ्रूट्स उठाना और घर पे बनाइए नॉन फ्राइड फूड्स। ध्यान रखिए ये फूड्स हमारी गट हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर होते हैं जो इजिली डाइजेस्ट होते हैं और हमारी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। क्या आप भी दिवाली पार्टीज में ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं? तो क्यों ना इस दिवाली से हम चूज करें कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट जूस या हर्बल टीज जैसी कुछ हेल्दी ड्रिंक्स, क्योंकि सोडा तो वैसे भी बहुत एसिडिटी क्रिएट करता है। जहां तक बात रही एयर पोल्यूशन की, हम सब जानते हैं कि इस टाइम पर एयर पोल्यूशन का लेवल क्या हो जाता है, इसीलिए अगर आप अपने घर से बाहर निकले तो फेस मास्क लगाना ना भूलें। कीप इन माइंड, अ हेल्दी दिवाली इज ऑलवेज अ हैप्पी दिवाली। वंस अगेन वी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम मेडविकी।